नमस्कार, आप देख रहे हैं साधना प्लस न्यूज। आप सभी का स्वागत है। खबरें हिमाचल प्रदेश के, हमारे इस बुलेटिन में आपके साथ में अंजलि। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, लेकिन इससे पहले नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। सीएम ने अपने मौजूदा कार्यकाल का अंतिम बजट किया पेश। 51,365 करोड़ का कुल बजट, घाटे का बजट, कर्ज पर चलेगी सरकार। यूएलबी ने जताया सीएम का आभार, मानदेय बढ़ोतरी के लिए जताया आभार। चेयरमैन ने बजट को बताया ऐतिहासिक। धर्मशाला में प्रदेश शिक्षक महासंघ ने जताया सीएम का आभार, बजट में सरकार ने मानी संघ का, अधिकतर मांगे संघ में खुशी की लहर। बादल नदी में धड़ल्ले से हो रहा अवैध खनन, लीज की आड़ में खोद डाली सारी नदी, एसपी कार्यालय से थोड़ी दूर पर हुए है ये साइट। यूक्रेन से वतन लौटे अमन शर्मा, घर में जश्न का माहौल, परिजनों ने किया मोदी सरकार का धन्यवाद। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं खबरों से, जहां पर हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने अपने मौजूदा कार्यकाल का अंतिम बजट पेश किया है। साल 2022-2023 के लिए 51,365 करोड़ का यह बजट पेश किया है, जहां पर सभी वर्गों को लुभाने की कोशिश की गई। हालांकि इस तरह की बात है कि ये करोड़ों के बजट घाटे का बजट बताया जा रहा है। बजट प्रस्तुत करने का अवसर प्राप्त हुआ और ये बजट जो है वो 51,365 करोड़ रुपए का, इसका आकार जो है जो प्रस्तावित है उस रूप में है। और जहां कोविड की सारी परिस्थितियों के कारण पूरे विश्व की इकॉनमी प्रभावित हुई, देश की और प्रदेश की भी प्रभावित, तो बहुत बड़ा संकट हमारे सामने था उस दृष्टि से कि आदमी के जीवन को भी बचाया जाए और दूसरे तरफ विकास के। हिमाचल प्रदेश यूएलबी यानी शहरी निकाय अध्यक्ष उपाध्यक्ष फेडरेशन ने जनप्रतिनिधियों के मानदेय में भी की गई बढ़ोतरी के लिए सीएम जयराम ठाकुर का आभार जताया है। और आज मंडी में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए यूएलबी फेडरेशन के चेयरमैन चमन कपूर ने यह कहा है कि सीएम जयराम ठाकुर ने ऐतिहासिक बजट पेश किया है। यहां पर बता दें, साथ ही साथ राज्य सरकार, शहरी निकायों और पंचायती राज संस्थाओं ने भी चुन करके आए प्रतिनिधियों को मान सम्मान और पूरा ख्याल रखा गया है। इस बजट में वही मुख्यमंत्री महोदय ने इस बजट में कोई कमी नहीं रखी है। हर वर्ग का ध्यान रखते हुए उन्होंने, जैसे गृहिणी सुविधा है, गृहिणी सुविधा योजना और उज्ज्वल योजना में 3 सिलेंडर अतिरिक्त देने का अहम फैसला किया हुआ है। इसी के साथ साथ लगभग 30,000 के करीब जो है नौकरियां देने का भी उन्होंने एक अहम फैसला लिया हुआ है, जो कि विभिन्न विभागों में नौकरियां लोगों को दी जाएंगी। उसी के साथ कृषि में भी उन्होंने खास तौर पे कई चीजों में सब्सिडी देने की कोशिश करी है। और इसके साथ साथ जो पर्यटन मुखिया एक व्यवसाय है हिमाचल प्रदेश का, जिसमें लगभग 12 लाख के करीब लोगों को। धर्मशाला में पत्रकारों को संबोधित करते हुए पवन कुमार ने कहा कि हिमाचल प्रदेश शिक्षक महासंघ छात्र हित और समाज हित और साथ ही साथ शिक्षक हित को लेकर के काम कर रहा है। उन्होंने कहा कि हम 14 बिंदुओं को लेकर के निरंतर सरकार से इस बारे में बात कर रहे हैं और इससे पहले भी प्रदेश शिक्षक महासंघ ने सरकार के पास इन मुद्दों को उठाया था। आज की जो प्रेस वार्ता है, हमारा आभार, सरकार का आभार प्रकट किया हमने। जो हिमाचल प्रदेश शिक्षक महासंघ ने अपनी मांगे रखी थी, उसमें जो हमारी अधिकतर मांगे जो मान ली, उसके लिए आभार प्रकट करने के लिए जो प्रेस वार्ता रखी थी। देखो, मैंने हिमाचल प्रदेश शिक्षक महासंघ, ये जो मुद्दा है ये पहला बिंदु है हमारा और इसके ऊपर हम सेंटर लेवल तक दिन प्रतिदिन हमारी वार्ता चल रही है और इसको किस तरह से लागू किया जाए और कब लागू किया जाए, ये थोड़ा सा सरकार वक्त चाहती है। और
लगातार जो हम वार्ता कर रहे हैं उससे जो है ये जो हमारा ओपीएस का जो मुद्दा है जल्दी ही हम इसका हल निकालें। मुझे इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है और मैं इसके ऊपर प्रतिक्रिया भी नहीं देना चाहता, क्योंकि वो अलग संगठन है, मुझे नहीं पता कौन सा संगठन है और कौन उनके प्रदेशाध्यक्ष हैं। मैं सिर्फ हिमाचल प्रदेश महासंघ की बात करूंगा कि हम इस मुद्दे के ऊपर क्या कर रहे हैं। हिमाचल विधानसभा बजट सत्र के दौरान ही सदन में बीते दिन ही वन मंत्री द्वारा वीरभद्र सिंह पर के सदन पर टिप्पणी की गई थी, जहां पर टिप्पणी पर विक्रमादित्य सिंह भड़क गए। गुरुवार को प्रश्नकाल समाप्त होते ही विक्रमादित्य सिंह ने सदन में पॉइंट ऑफ ऑर्डर के तहत ये मामला उठाया है और सीधे तौर पर उन्होंने वन मंत्री राकेश पठानिया को अपनी खलड़ी में रहने की नसीहत दे दी है। नोकझोंक की बात नहीं है, देखिए कुछ फैक्ट्स थे, तथ्य थे जो मैं स्पष्ट करना चाहता था। और पहले तो हम जो है वो राज्यपाल के अभिभाषण पे मैंने अपनी बात रखी थी, जिसमें मंत्री जी ने, राकेश पठानिया जी ने जो है वो व्यक्तिगत रूप से टिक्का टिप्पणी शुरू करी। और इस मसले पर मैंने जो अपनी हमारी लीगल टीम है उनसे विचार विमर्श किया कि मैं मंत्री जी पर जो है डेफामेशन का केस यानी मानहानि का केस जो है वो करना चाहता हूं, मगर उन्होंने हमें कहा कि क्योंकि ये बातें जो है वो विधानसभा के अंदर की गई है, हाउस के अंदर की गई है, इसलिए इसमें ज्यूडिशियल इम्यूनिटी होती है और इसलिए आपने जो भी कहना है स्पष्टीकरण आप विधानसभा के अंदर ही दें। उन्होंने जो बातें कुछ सीबीआई रेड को लेकर और कुछ जो वीरभद्र सिंह जी के ऊपर सीबीआई और ईडी के केसेस चलाए गए थे उसके ऊपर जो है टिक्का टिप्पणी करी है, उनका सुपुत्र होने के नाते ये मेरा नैतिक जिम्मेवारी है कि मैं इसके बद्दी बरोटी वाला सड़क पर लक्कड़ डिपो के पास धड़ल्ले से खनन हो रहा है, जबकि ये साइट एसपी कार्यालय से थोड़ी ही दूरी पर है। बावजूद इसके पुलिस और खनन विभाग कोई भी कार्रवाई अमल में नहीं ला पा रही है। आलम अब यह है कि यहाँ हर रोज खनन माफिया लीज की आड़ में अवैध खनन को अंजाम देते हुए नजर आ रहे हैं और साथ ही खनन विभाग इस पर चुप्पी साधे हुए है। एक मामला भी हमारे ध्यान में आया है, इस संबंध में हमने पुलिस अधिकारियों को भी निर्देश दिए हैं, साथ ही माइनिंग जो इंस्पेक्टर है यहाँ सत्यदेव उनको भी अभी बुलाया है और उनसे रिपोर्ट मांगी है। तो जैसे ही रिपोर्ट आती है इस संबंध में तो सब उसके बाद उचित कार्रवाई ली जाएगी। चेतना संस्था और जन शिक्षा संस्थान के माध्यम से महिलाओं के प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया है। इस शिविर में मुख्य अतिथि मेघा सुमैया रही। इस मौके पर ही विशेष ओलंपिक की अध्यक्षता, जहां पर विशेष ओलंपिक की अध्यक्ष मल्लिका नड्डा ने यह कहा है कि जो महिलाएं प्रशिक्षित हुई हैं उनके 3 महीने का प्रशिक्षण पूरा हो रहा है, जहां पर उन्हें इस मौके पर सम्मानित भी किया जा रहा है। वहीं पर मार्च महीने में अगले कार्यक्रम की रूपरेखा भी तैयार की जा रही है। चेतना संस्था और जन शिक्षण संस्थान के माध्यम से एक महिलाओं का प्रशिक्षण शिविर का आयोजन यहाँ किया गया है, जहाँ जन शिक्षण संस्थान के माध्यम से जो महिलाएं प्रशिक्षित हो रही हैं उनका 3 महीने के जो कोर्सेज थे वो आज समाप्त होने जा रहे हैं इस महीने में। उस उपलक्ष में जहाँ हम उनका सम्मान कर रहे हैं, उनको सम्मानित कर रहे हैं, वहीं मार्च ऑनवर्ड्स जो अगला कार्यक्रम शुरू होने वाला है उसकी भी योजना हम इस कार्यक्रम के माध्यम से बनाना चाहेंगे। आत्मनिर्भर भारत, सक्षम भारत जो हमारे प्रधानमंत्री जी का सपना है, उसी के तहत जन शिक्षण संस्थान के कार्यक्रम जो देश भर में चल रहे हैं, प्रदेश में चल रहा है, चेतना संस्था द्वारा बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट में चलाया जा रहा है। जिला प्रशासन और शिक्षा विभाग की कथित लापरवाही और लचर कार्यप्रणाली के चलते ही राज्य की प्राथमिक पाठशाला सलोगड़ा में अध्ययनरत करीब 100 छात्रों की सुरक्षा खतरे में पड़ गई है, जहां पर स्कूल भवन में पिलर के और दीवारों में गहरी होते हुए दरारें, ये भवन कभी भी जमींदोज हो सकता है। ऐसा लग रहा है कि प्रशासन और शिक्षा विभाग किसी हादसे का इंतजार कर रही है और यही वजह है कि इस स्कूल को शिफ्ट करने के लिए कोई भी योजना अभी तक बनाई नहीं गई है। बुरी हालत है इस समय कि बता नहीं सकते। 2017 से हमारे स्कूल का पत्राचार डिपार्टमेंट के साथ चल रहा है और डिपार्टमेंट वाले हमें पूरा भरोसा देते हैं कि ये लिख के दो, ये लिख के दो, हम सब कुछ लिख के दे रहे हैं। नई जमीन के लिए भी प्रतिमा वगैरह हमने ढूंढ कर दिया, सब कुछ करवा के दिया एसएमसी मेंबर्स के साथ मिलकर, मगर फिर भी उसके लिए फॉरेस्ट वाले एनओसी नहीं दे रहे हैं। और इतना पुराना, सबसे पुराना स्कूल है,
फोर लेन की वजह से स्कूल जो है वो एक बिल्डिंग तो गिर गई और दूसरी बिल्डिंग में हमारे 3 कमरे थे मगर 2 बिल्कुल ही ऊपर के हैं जो वहां रास्ता नहीं है जाने का और 1 कमरे में हम बैठे हैं टीचर्स बच्चों को हम बाहर कभी लेते हैं कभी नीचे रूम में ले जाते हैं और सारा टूटा हुआ है उसमें भी दरारें आ गई जिस रूम में हम बैठ रहे हैं। इस स्कूल में 100 है अभी। हमीरपुर के नगर परिषद के वार्ड नंबर 4 में रहने वाले युवक अमन शर्मा का यूक्रेन से घर पहुंचने पर भव्य स्वागत किया गया है जिसमें कि माता पिता दादा दादी चाची और साथ ही व्यापार मंडल हमीरपुर के अध्यक्ष अनिल सोनी जश्न मनाते हुए अमन का भव्य स्वागत करते हुए नजर आए और साथ ही अमन शर्मा यूक्रेन में एमबीबीएस की पढ़ाई भी कर रहे हैं। आपको बताते चले जहां पर रूस और यूक्रेन की जो तनावपूर्ण स्थिति है इसको लेकर के इसके बाद ये वापस आए हैं। एमबीबीएस की पढ़ाई कर रहा था यूक्रेन में और मैं चेर्निवत्सी नामक शहर में यूक्रेन में वेस्टर्न पार्ट में जो आता है वहां पे पढ़ाई कर रहा था बीएसएमयू कॉलेज में बुकोवेनी स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी। तो हमको जब पहले पता लगा परिस्थितियों के बारे में तो हमें वापस एम्बेसी ने बुला लिया था कि आप जल्दी से जल्दी यहां से निकलने की कोशिश करो। तो उन्होंने हमारे लिए बसेस वगैरह अरेंज करी थी कि बसेस आप बॉर्डर तक पहुंचो रोमानियन बॉर्डर तक। तो ये 24th को हुआ था बॉम्बार्डिंग स्टार्ट हुई थी 24th को 24th सुबह 5 बजे बॉम्बार्डिंग स्टार्ट हो चुकी थी। तो उसके बाद फिर इन्होंने एकदम से डिसीजन लेके इवैक्यूएशन का प्रोसेस स्टार्ट कर दिया। हम 26th को रोमानियन बॉर्डर तक पहुंच चुके थे। तो सच बताएं तो रोमानियन बॉर्डर को जब हम 26th को पहुंचे थे वहां पर रोमानियन बॉर्डर तो हम 6 बजे पहुंचे थे रोमानियन बॉर्डर यूक्रेन रोमानियन बॉर्डर और वहां पे बहुत भीड़ थी मतलब बहुत ही ज्यादा मतलब जब ये युद्ध की हमें न्यूज मिली तो हम बहुत ज्यादा घबरा गए हुए थे। रोज ही खबरें आ रही थी बहुत ज्यादा हम अपने बच्चे को मिस कर रहे थे और हमने कोई 7-8 दिन मतलब बच्चे को काफी। हिमाचल प्रदेश में बजट पेश किया गया है इसको लेकर के मुकेश अग्निहोत्री ने बजट को लेकर के क्या कुछ कहा है आइए आपको सीधे सुनाते हैं। मंत्री जी ने बहुत लंबा 3 घंटे तक लगातार पढ़ के जो है ये बजट पेश किया लेकिन इस बजट में जो प्रदेश के लिए जो विकास की आशाएं थी वो सारी जो है धूमल हो गई। और चुनावी साल है चंद चुनावी घोषणाएं या लुभावनी घोषणाएं जो कि करने के अलावा प्रदेश के जो लोग जिनकी निगाहें इनके ऊपर लगी हुई थी और उनके बारे में तो ये बजट पूरी तरह साइलेंट है। एक बात स्पष्ट हो गई कि इस बजट में आप देखें कि कर्मचारी यहां आंदोलन कर रहे थे। और हिमाचल प्रदेश के हमारे से बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और तमाम बाकी खबरों के अपडेट्स के लिए देखते रहिए साधना प्लस न्यूज़।